नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बार फिर अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला। दरअसल अमरोहा के गांव रायपुर कला में नगर पालिका की संपत्ति पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही ईओ डॉक्टर ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुए नगर पालिका की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया। इसके बाद ईओ ने भूमाफियाओं पर कानूनी कार्यवाही के लिए थाने में तहरीर भी दिलवाई है। वहीं ईओ की मौजूदगी में हुई बुलडोजर की कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका परिषद अमरोहा का सीमा विस्तार हो गया है और इसमें 45 गांव और 21 ग्राम पंचायतों का समावेश हो गया है। इसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी, वो सारी संपत्तियों का कस्टोडियन जो अब नगर पालिका परिषद अमरोहा है, उसी को दस्तखत रखते हुए एक सुबह 8 बजे कार्रवाई की गई। रायपुर कला गाँव में लगभग 1 हेक्टेयर की जमीन पर जो है कुछ भूमाफिया टाइप लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। जैसे सूचना मिली, तत्काल नगर पालिका की टीम के द्वारा वहाँ पहुँचकर संबंधित थाने से फोर्स लेके वो कार्रवाई की गई। वहाँ की बाउंड्री वाल ध्वस्त करा दिया गया है और ये भी निर्णय लिया गया है जल्दी नगर पालिका द्वारा उस पर जो है चार दीवारी करके उसको घेर लिया जाएगा, ताकि पुनः इस तरीके की गतिविधियाँ ना हो पाए। अमरोहा में रविवार को यादव यदुवंशी महासभा की बैठक में समाज में व्याप्त कुरूतियों को त्यागने पर जोर दिया गया। बताते चले कि यादव यदुवंशी महासभा की एक बैठक यादव धर्मशाला शहाली सराय अमरोहा में संपन्न हुई, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि हमारे समाज में जुए और शराब की लत के कारण हमारे समाज के लोग नहीं उभर पा रहे, अतः हमें अपने समाज को उभारने के लिए अपने समाज के लोगों को समझाना होगा और उन्हें जुआ शराब आदि जैसी कुरूतियों को त्यागने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी हमारा समाज आगे सकता है। वही कार्यक्रम का संचालन कर रहे मास्टर राधेश्याम यादव द्वारा कहा गया कि हमारे समाज के लोग युवा बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं, इसलिए चाहे एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाना। वही महासभा की बैठक में विभिन्न नगरों से आए हुए यादव यदुवंशी समाज के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वक्त हो चढ़ा है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।